दोस्तों, अभी इस समय जो है बहुत सारे लोग चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहे हैं। चैट जीपीटी सच में एक फैंटास्टिक एआई प्लेटफॉर्म है, जिसको मैंने अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले ही यूज किया था, क्योंकि अभी पवन सर का वीडियो आया था तो मैंने उनका वीडियो देखा था। लेकिन चैट जीपीटी को लेकर के कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये गूगल के लिए खतरा है, बहुत सारे एआई टूल्स के लिए खतरा है। तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि जो बेसिक टूल्स थे, जो एआई राइटिंग का काम करते थे, उनके लिए तो भाई खतरा है, क्योंकि चैट जीपीटी का जो एक्यूरेसी रेट है और जो उसके लिखने का आइडिया स्टाइल है, वो काफ़ी फैंटास्टिक है। ठीक है, आप उसको कोई भी क्वेरी दो, वो आपके लिए आर्टिकल लिख देगा, आर्टिकल नहीं लिखेगा, वो आपके लिए अच्छा सॉल्यूशन लिख देगा। ठीक है, तो चैट जीपीटी क्या सच में गूगल के लिए खतरा है? देखिए, इस पे मैं आपको अपने थॉट्स शेयर करता हूँ। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मेरे थॉट्स सही हैं या फिर नहीं सही हैं। चैट जीपीटी अभी भी गूगल का कुछ नहीं कर पाएगा, आगे आने वाले सालों में भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके जैसे बहुत सारे आते रहते हैं। ठीक है, और गूगल की जहाँ तक बात है गाइस, उसका जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी बड़ा है। अभी आप गूगल में बहुत सारी चीज़ें यूज करते हो, ड्राइव है उसका, मैप है उसका, इसके अलावा गूगल के डॉक्स, आप जीमेल, मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको अब डेली लाइफ में काम ही ना आता होगा। ठीक है, तो गूगल अभी के लिए किसी भी चीज़ से बीट नहीं हो सकता है। मैंने बहुत पहले एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि टिकटॉक ने कोई अपना सर्च इंजन निकाला है जिसके जरिए वो गूगल को बीट करना चाहता है, वो भी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि चैट जीपीटी भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, और ना ही किसी डेवलपर्स के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, जैसा पवन सर ने अपनी वीडियो में बोला था कि डेवलपर्स को भी नुकसान होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को देखा है कि जहाँ पर रियल टाइम क्वेरी होती है, वहाँ पर एआई काम नहीं कर पाता है। अगर आप देखेंगे गाइस कि जैसे कोई मशीन पे काम हो रहा है, मान लो गांव में पहले कटाई होती थी गेहूं की, वो लोग काटते थे, जो लोग हाथों से काटते थे, ठीक है, मजदूर हुआ करते थे। लेकिन वहाँ पर जब एक मशीन आ गई गेहूं काटने की, तो सारे मजदूरों को हटा दिया गया, क्योंकि पैसा बचा और समय भी बचा, तो वहाँ पर चीज़ें हट गई। जहाँ पर एक एक वे में काम होता है, वहाँ पर मशीनों को लोगों से रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन जब किसी सॉफ्टवेयर की बात आती है जिस पे आपको रियल टाइम क्वेरी है, तो आपको जो है वहाँ पर चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, या फिर उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दो और बहुत सोच के इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, इसलिए डेटा साइंटिस्ट बहुत बहुत अच्छे तरीके से उसको जो है तैयार करते हैं उस एल्गोरिदम को। यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो किसी कोडिंग करके कोई ऐप बना रहा है, कोई वेबसाइट बना रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि चैट जीपीटी कोड्स भी लिख देता है। ठीक है, मतलब आप उससे कुछ भी बनवा लो, कोई वर्डप्रेस का टूल बनवा लो, इमेज डाउनलोडिंग टूल बनवा लो, सारा कुछ बता देगा। ठीक है, लेकिन गाइस मैं कह रहा हूँ कि कोई चीज़ जो रियल टाइम क्वेरी के साथ आती है, उसमें प्रॉब्लम होता है कि बंदे को अगर कह दिया कि मुझे ये टूल ऐसा नहीं चाहिए भाई, ऐसा चाहिए, तो क्या चैट जीपीटी ऐसे बार बार बदल के चीज़ों को करेगा? मतलब एग्जाम्पल के तौर पे एआई के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि एआई जो है अभी भी ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी भी रियल टाइम क्वेरीज हैं। और बॉस जो है जिस भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को हायर करता है, जिस भी एम्प्लॉय को हायर करता है कि इस फील्ड में आपको काम करना है, तो वो उसको कभी भी कॉल करके कस्टमर का रिवीजन कंप्लीट करा सकता है, लेकिन एआई से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अभी आपको इस थॉट को भूल जाना है कि अभी भी एआई जो है रिप्लेस कर सकता है किसी भी चीज़ को। अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा एडवांस किया जाएगा उनको। और चैट जीपीटी के पहले भी अच्छे हैं, ठीक है, जैसे जैस्पर हो गया, अच्छा आर्टिकल लिखता है, तो वो भी पढ़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि उसके आने के बाद कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। ब्लॉगिंग करियर में डेफिनेटली आपकी मदद मिलेगी आपको चैट जीपीटी से। अगर आपको कोई क्वेरी डालना है गाइस, कोई सॉल्यूशन चाहिए, इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो डेफिनेटली आप उसका यूज कर सकते हैं। अपने सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। कोई कॉपी बनाना है उसके लिए यूज कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट यूजेस हैं उसके, लेकिन अभी वो कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है। सो थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर मेरे थॉट्स पसंद आए हों तो नीचे कॉमेंट करके जाना, या फिर इंस्टाग्राम पर @SCVyakti से मैसेज करना, मैं आपका वेट करूँगा। थैंक यू गाइस।